बहुत क्लोज है। एक मिनट, वुड यू डिस्क्राइब द स्टे दैट यू हैड एट द बिग बॉस हाउस? स्टे वाज अमेजिंग, बहुत जबरदस्त स्टे था और बहुत ज्यादा एक तजुर्बे, जिंदगी का तजुर्बा लेके हम बिग बॉस के घर में गए थे और उससे ज्यादा तजुर्बा बिग बॉस के घर ने हमें दिया। तो स्टे वाज लाइक हर रोज एक नया दिन था, नए चेहरे थे, नए लोग थे, तो ऐसा स्टे किसी को ना मिले भाई। आई थिंक इफ आई हैव टू डिस्क्राइब द स्टे इन वन वर्ड आई वुड कॉल इट चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग। ओ मेरे हिसाब से यू नो वो जो मोमेंट होता है ना जहाँ पे विनर अनाउंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है एंड आई कैन सो इमेजिन दैट यू नो दैट मोमेंट वुड बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू क्योंकि हम इतना ग्रिलिंग और इतना मुश्किलों से गुजरते हैं ना पूरा हमारे स्टे में कि मतलब ये सीजन तो खास करके सबसे लंबा रहा, 4.5 महीने के बाद ये जो खुशी मिलती है आई थिंक इट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग और हमको फाइनलिस्ट होके इतना खुश रहा। चैंपियंस हैं बेसिकली, वी आर चैंपियंस, वी फील मतलब हम खुद विनर्स हैं, हमें लगता है ऐसा क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है। दोनों साथ में बोलते हैं ना, क्या बात, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं देते। मैं मुझे भी ये लगता है कि हम सब जो पांच वहाँ पर थे और हमने जो आखिरी डिनर लिया था उस वक्त हमने सबने टोस्ट किया था और कहा था कि देखिए विनर तो कोई भी एक होगा, लेकिन क्योंकि हम पांचों यहाँ पर हैं और पांचों पौने चार महीने वहाँ पर रहे हैं और कंधे से कंधे मिला कर रहे हैं तो हम सब चैंपियंस हैं, हम सब विनर्स हैं। एक्चुअली वो ट्रॉफी उठाना तो एक फॉर्मेलिटी के जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी जिसके साथ होता है आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम। I think the most challenging part was to deal with my own emotional side क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत ही एक मुश्किल दौर से वैसे ही गुजर रही थी और मैंने फिर भी ये शो एक चैलेंज की तरह से लिया है and to deal with all that and overcome and come out with flying colors was itself a victory for me. कहीं ना कहीं इन्होंने नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि एक दिन पहले निकलना, एक्चुअली एक दिन नहीं, फिनाले के दिन ही निकले हैं, लेकिन यह कि ये लोग रात में आए, हम पहले आए, ये लोग एक दिन वो आए, फिनाले के दिन नॉकआउट में निकल जाना जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए लग रहा होगा कि हमें बुरा लग रहा है, ट्रस्ट मी बिल्कुल भी हमें बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे लिए खास करके जो सफर था वो बहुत ही मुश्किल से शुरू हुआ क्योंकि हम बाद में आए वाइल्ड कार्ड से हम वाइल्डेस्ट कार्ड्स थे और एक जगह बनाने के लिए हमारी जो जर्नी शुरू हुई, जो सफर शुरू हुई, फुल ऑफ सफरेंसेस थे एंड इवेंचुअली बड़े बड़े दिग्गजों को हम गिराते हुए आगे करते हुए घर से बाहर करते हुए यहाँ तक पहुंचे, यही बहुत बड़ी बात है। और चैंपियन का लकब मिला यार हमें। Exactly. एक तो होता है कि फाइनल तक पहुंच के लोग आते हैं चले आते हैं, लेकिन एक होता है कि आपको एक पहचान दी जाती है, एक लकब दिया जाता है कि आप फैबुलस फाइव हैं, आप चैंपियंस हैं, आप पांच फाइनलिस्ट हैं और उसके बाद में फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, यू नो ये इट्स अ फॉर्मेलिटी। जनता ने उतना ही प्यार दिया, बस यही है, किसी को 100 दिया, किसी को 90 दिया, किसी को 80 दिया, लेकिन दिया जनता ने सबको प्यार, ये तो गारंटी है भाई। जनता अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब डिम्पी को लगता है, मुझे भी कुछ नहीं लगता है। डिम्पी आपको लगता है मत तो मेरी प्रोडक्ट था ही, तो अल्लाह का करम है मेरे से पहले की वरना मुझे मार लेती है। देखा तुझे बाहर निकाल के गई, बचा लिया उसने मुझे। आपको लगता है कि डिम्पी ने ज्यादा फुटेज खा लिया है? इस बार जाहिर सी बात है कि घर में मैं राहुल से ज्यादा वक्त तक रही, तो जनता ने मुझे डेफिनेटली ज्यादा पसंद किया होगा।
और कैसे ना करती, कैसे ना करती हर फ्रेम में डिम्पी जी सीनियो इधर इनके लड़ाई हो रही जो डिम्पी जी हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जिससे जिससे लड़ाई हो रही उसके पास बैठी हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जिससे लेना देना नहीं उसको बता रही हाँ ऐसे ऐसे हुआ, और उसके बाद फिर मुझे बता रही आगे हाँ हाँ हाँ, और फिर जब मैं सबको जाके बता रहा हूँ सब कह रहा है स्टोरी पुरानी होगी, बीबीसी लंदन आई थी अभी उन्होंने सबको न्यूज दे दी है, हर फ्रेम में डिम्पी हर इमोशन में डिम्पी। मैं डिम्पी को बहुत ज्यादा मिस करूंगा। ये क्या होता है कि हम लोग जो थे हमारा टॉम एंड जेरी वाला था, मतलब मैं पीछे पीछे भागता था लकड़ी लेके बैठी पम, वो टॉम एंड जेरी में टॉम गिर जाता है फिर टॉम जो है उसको पटाता है, जैसे वो आपने देखा होगा वो लकड़ी वाला टास्क, मैंने उसको पटाया, मैंने बोला मैं तुझे 5 दूंगा, तो इसके पास में 3 थी, बोले ओके मैं अपने 3 दूंगा, ऑलरेडी मैंने प्रीतम से सेटिंग कर ली, मैंने उस्ताद फंस गया फंस गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ना पूरे घर के अंदर पूरे घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट थे वो अपना गेम जो था बहुत बहुत सेफली खेल रहे थे, हम लोग क्योंकि वाइल्ड थे तो हम लोग हमेशा इजी टारगेट थे, हमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा था, एंड ऑफ द डे फिर अगले दिन अलग लड़ाई में यार तुम्हें मेरा अलग मुद्दे लेके हम लोग आते थे। तो No, I cannot be possibly engaged to somebody else because I'm still married. I have not gone through the whole process of divorce, so I'm not engaged to anybody. जहाँ तक मेरे और राहुल के बीच में relationship का सवाल है, we started off this relationship with a friendship. When we were married, we were still friends. Right now, we have decided to move on with our lives, but we will be friends and you know, touch wood to that. Yeah, and that's really a great gesture, you know what I mean? हम लोग भी हमेशा दोस्त रहेंगे, बस गौरी से ना पिटू में, बाकी तो सब ठीक है, और हम लोग बहुत खुश हैं। पूछा ही नहीं तू। मैं तो बताऊँ ना, ना पूछें। मैं या अगर मैं अनदर लेवल पे ले गया ना, जो मेरे साथ में जो मेरी मेरी फियोंसे जो हैं वो ब्लैक बेल्ट है और मार्शल आर्ट में 5'10" है, उन्होंने 2-3 बार आपने सुना भी होगा टेम्पल मेरे यहाँ पे किक मारी है उड़ गए, तो मुझे अगर इस दुनिया में रहना है तो मुझे बहुत लॉयल बन के रहना होगा। बच्चों आप भी लॉयल रहिए और जी दोस्ती इतनी रखिए। बिग बॉस के घर में किसी से आपकी अच्छी से बनी किसी से नहीं बनी जी, तो एक-एक मेरे लिए देखिए ऐसा है कि मैं सबके लिए डेविल था और सबके लिए एंजल था, ऐसा वक्त आता था कि मैं वही बता रही हूँ, तुझे ज्यादा सुन रही है शीनी, अभी तो मैं कब आला भाई शीनी। हाँ तो मेरे लिए जो वक्त वक्त पे सिचुएशन के हिसाब से कभी प्रणीत मेरे लिए एंजल हो जाता था तो वही प्रणीत मेरे लिए डेविल भी हो जाता था, प्रीतम मेरे लिए एंजल हुआ, मेरे लिए डिम्पी डेविल एंजल भूत प्रेत ये भी सब रही है। तो मतलब इस घर में क्या है कि हर कोई कभी ना कभी कोई रूप बदलता था, और चाहे उसमें कोई भी हो, एक दिन हम सब एक आदमी के साथ लड़ते थे और उसे बचाते थे, अगले दिन सबके सब मिलके उसे गड्ढे में गिरा देते थे, मतलब ये हर रोज एक चैलेंज था, टास्क में आने के बाद में सब बदल जाते थे। गुरुजी अब वही एक दोस्त था उसका और वही अब उसके लिए लड़ रहा है मर रहा है, तो बिग बॉस के हाउस में हम लोगों के लिए इतना चैलेंज था यार, आप लोगों को बताऊं मैं समझता था कि हर दिन बने और बिगड़े, मतलब इजी नहीं यार, 4 महीने भाई कोई घड़ी नहीं कोई वो नहीं, दाल 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 मेथी आलू दाल 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 मेथी मेथी आलू दाल दाल चावल सूखे सूखे चावल चावल दाल 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 मेथी आलू। हाँ नॉनवेज तो मिला ही नहीं मेरा, मैं स्टैमिना हवा से लेता हूँ ऐसे लेता हूँ, और जब लोग भी घर वालों भी बात करना छोड़ देते तब जाके कैमरा से बात करते थे। इनको अगर बिग बॉस के घर में रख दो ना तो कोई प्रॉब्लम इनको नहीं, अकेले भी रह लेगा। हाँ रह लूंगा आपको। यार देखो ऐसा है एजाज से दोस्ती तो मेरी पहले भी थी, लेकिन एजाज क्या है कि जो कैमरे के पीछे कुछ और है, कैमरा जैसे होता है अपन आ रहा जा रहा वैसे हो जाते हैं, लेकिन एजाज अच्छे इंसान है, और जो भी हुआ बिग बॉस के घर में जैसी भी चीज़ें हुई हैं वो एक गेम शो के अंदर हुई, और
सब वहाँ पे कंटेस्टेंट थे, तो सब अपना अपना गेम खेल रहे थे। तो बहुत सी बार क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस के घर में एग्रेसिव हो नहीं सकते, तो एग्रेसिव ना हो के डिफेंसिव हो के मैं बहुत बार खेला हूँ, बल्कि 80% खेला हूँ। रियल लाइफ में जो मैं इतना एग्रेसिव हूँ, तो मैंने पहली बार जिंदगी में डिफेंस मोड लिया, और डिफेंस मोड जो लिया और जो सब्र लिया, तो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। और इंशाल्लाह रियल लाइफ में मैं सब्र का ही दामन पकड़ के चलूंगा, क्योंकि कामयाबी उसी में है, इसीलिए तो चैंपियन बने।